नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 17 है। दोस्तों, आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए यह प्रश्न सॉल्व होता है। कैसे? तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चन है। जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए, जब क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना है ऑप्शन से। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है ना, दो संख्याएं जिनका योगफल क्या है दोस्तों, 84 है, और कह रहा है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। यहां पे ध्यान देना है, नहीं हो सकती कह रहा है। तो देखेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का रेशियो दिया है, यहां पे अनुपात दिया है। क्या दिया है? पहला ऑप्शन है 5:7। 5 और 7 को हम जोड़ेंगे दोस्तों, इन दोनों को अगर जो प्लस कर दे 5 और 7 को, तो क्या हो जाएगा? 12। अब 12 से दोस्तों क्या 84 पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं? 12 से दोस्तों 84 पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं? 12 से बस दोस्तों 84 में सिंपल भाषा में समझिए भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं? हाँ कट जाएगा, 12 सत्ते 84 सात बार में कट जाएगा। तो वो संख्याएं क्या होगी दोस्तों, कितने बार में जाएगा? सात बार में। तो संख्याएं क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है? और इनका योगफल क्या होगा दोस्तों, 84 होगा। तो यानी कि ये तो हो सकता है, और इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि किस अनुपात में नहीं हो सकती, वह निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती पूछ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है, हो सकता है, लेकिन अब देखेंगे इसमें पूछ रहा है नहीं हो सकती, उसे आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 13:8। 13 और 8 का रेशियो दोस्तों है ना, तो इसका योग क्या होगा 13 8 का 21। 21 से दोस्तों भाग करेंगे 84, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं, संख्याओं को निकाल के भी देख सकते हैं, बस निकालना नहीं है आपको, करना क्या है बस भाग करना है। 21 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में 84 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या होगी, 13 × 4 = 52 और 4 × 8 क्या हो जाएगा, 32। ये संख्याएं होगी और इनका योगफल क्या होगा दोस्तों, 84 होगा। तो ये तो रेशियो हो सकता है, यानी ये अनुपात हो सकता है। प्रश्न में पूछ रहा है कौन अनुपात में नहीं हो सकता, उसको आपको ज्ञात करना है। चलिए तीसरा ऑप्शन है 1:3। इनका योग क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, और 4 से 84 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा कि नहीं? हां हो जाएगा, 21 बार में हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। तो और कौन सा बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बचा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एक बच गया, जब 3 से विभाजित हो जा रहा है तो आपका जो नहीं ऑप्शन नंबर बच गया है उससे नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन आपके दोस्तों सही हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन को चेक नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है, ठीक है? तो मैं लेकिन मैं आपको यहां पे चेक करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है? तो देखिए जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, ये है 3:2 का। तीसरा ऑप्शन तो समझे ना कैसे हुआ, 1 और 3 जोड़ेंगे 4, 4 से 84 कितने बार में, 21 बार में। तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, 21 हो जाएगा, और 21 तिहाई क्या होता है दोस्तों यहां पे, ये 63 होता है ना, हाँ 63 और 21 और 63 का अनुपात हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 84 होगा। अच्छे से समझिए, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। देखिए तो ये क्या होगा, ये 84 हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5। क्या दोस्तों 5 से 84 पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये अनुपात में नहीं हो सकता, 3:2 वो संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहां पे आपको करना क्या है दोस्तों, इतना निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहां जोड़ा हूं, ठीक है? बस आप ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए कौन कौन सी संख्याएं हैं। पेपर में आएगा तो आप बस देखेंगे 5 और 7 जोड़ेंगे 12, 12 7 = 84 कट जा रहा है, ये तो रेशियो हो सकता है, 13 8
8 21 21 84 84 कट रहा है, ये भी रेशियो हो सकता है। 1 3 4 4 से 21 बार में 84 कट रहा है, ये भी हो सकता है। 3 2 5 5 से 84 नहीं कट रहा है, तो ये इस अनुपात में 3:2 के अनुपात में वो दोनों संख्याएं नहीं हो सकती है, तो ये इसका आंसर होगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न, इसका जिसका आंसर क्या करना है दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, वो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और उस प्रश्न का आंसर भी आप जरूर कमेंट करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए, अब मैं आपको पहले प्रश्न समझा देता हूं, प्रश्न समझ लीजिए तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, जब समझ लेंगे प्रश्न तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पे कह रहा है एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, एक फर्स्ट था और एक सेकेंड नंबर पे था, ठीक है, यानी 2 उम्मीदवार हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया, कितना परसेंट दोस्तों जीतने वाला पाया है, 54%, और कह रहा है और वह 640 मतों से जीत गया। तो देखिए अब यहां पे आपको करना क्या है, ये दोस्तों जो जीतने वाला है ना, ये कितना परसेंट, 54%, तो हारने वाला ये जो है ये कितना परसेंट पाया होगा, ये पाएगा 46%। कैसे पता दोस्तों, टोटल मत कितने होते हैं चुनाव में, 100% थे, ठीक है, और जीतने वाला 54% जब पा गया, जीतने वाला कितना पाया 54%, तो हारने वाला कितना पाया दोस्तों 46%, तो जीतने वाला परसेंटेज में कितना पाया है हारने वाले से अधिक, ये आपको बताना है, कितना अधिक परसेंट पाया है। तो बताइए दोस्तों 54 46 से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, 46 4 50 4 54, यानी कि 8% इन्होंने ज्यादा पाया है जो जीता है, और कितने मतों की संख्या में कितना ज्यादा पाया है, 640 मतों से जीत गया ना, यहां कह रहा है, तो यही दोस्तों 8% बराबर 640, समझिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 54% एक पाया है, दूसरा पाया है 46%, यानी कितना ज्यादा पाया है, 8% ज्यादा पाया है, तो 8% परसेंटेज में पाया है, लेकिन मतों में कितना पाया है, 640, यानी कि 8% बराबर 640, तो 1% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1% की वैल्यू क्या होगी, 640 को 8 से भाग करेंगे तो 8 ही 64 और 0, यानी कि 80 हो जाएगा, और टोटल मत पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े थे, कितने मत पड़े थे, 100% मत पड़े थे, तो 100% की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 80 में 100 से गुणा कर देंगे, तो 80 में 100 के गुणा करने का मतलब 2 0 बढ़ा लेना, ठीक है, तो टोटल मत कितना हो जाएगा दोस्तों, 8000 हो जाएगा। देखिए 8000 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे दोस्तों 8000 जो है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक बार और समझाता हूं, ये तो आपको लिख के समझाऊं, लेकिन इतना प्रश्न आपको इतना आपका सिंपल हो जाएगा जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो, और इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको देखना क्या है दोस्तों, ये 54% पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा दोस्तों, 46% पाया होगा जो हारा होगा, तो 54 46 से कितना अधिक है, 8% है, तो यानी कि 8% बराबर क्या हो जाएगा, मतों की संख्या कितना अधिक है, 640, यानी कि 640 मतों से जीता है ना, यानी इतना ज्यादा, तो 8% बराबर 640, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, और 100% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, और 8000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना करना है पेपर में, ज्यादा कुछ नहीं, बिना पेन उठाए आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और शेयर भी किया करिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, और जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हुआ, जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिए, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा दोस्तों तभी आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं ही प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में लगभग दोस्तों ये 50 बार रिपीट कर चुका होगा, रेलवे में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन जो है ना सेट पैटर्न का है, यानी कहने का मतलब है ये जो संख्याएं जीत दी गई ना सेम क्वेश्चन यही संख्या बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप याद कर लीजिएगा और तरीका भी मालूम कर लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, सेकेंडों में मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है शिशु की वर्तमान आयु, बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, सॉल्व करने से पहले आपको समझना है। देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु क्या थी दोस्तों, 17 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले जो 5 सदस्य हैं उनकी टोटल आयु क्या रही होगी दोस्तों, 3 वर्ष पहले हम निकाल लें, ये क्या 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 × 17 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 17×5 = 85। टोटल आयु क्या रही होगी, टोटल आयु का योग क्या होगा दोस्तों, 85 वर्ष होगा। लेकिन अब करना क्या है दोस्तों, ये तो 3 वर्ष पहले, वर्तमान में अब इनकी औसत आयु क्या होगी दोस्तों, वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इनकी औसत आयु क्या होगी आप बताइए। कितने लोग हैं, 5 सदस्य हैं, 3 वर्ष पहले थी तो 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या रही होगी, 5 × 15, ठीक है समझिएगा, 3 वर्ष यानी कि बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में सब में क्या होगा दोस्तों, तो जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3-3 वर्ष जुड़ेगा तो कितने साल हो जाएगा, 15 साल जुड़ जाएगा, यानी कि 3×5 यानी कि क्या हो जाएगा, 15। तो ये 15 जुड़ेगा दोस्तों 85 में, ठीक है, क्या होगा 15 ये 85 में जुड़ेगा, तो प्रेजेंट टाइम में इनकी एज क्या हो जाएगी दोस्तों, 100 ईयर्स। टोटल आयु का योग क्या होगा प्रेजेंट टाइम में, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होगा दोस्तों, 15 साल जुड़ जाएगा वर्तमान में, यानी कि 100 वर्ष हो जाएगी। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है, कितनी है औसत आयु, 17 वर्ष ही है। तो जब शिशु का जन्म हो गया तो परिवार में कितने लोग हो गए ये बताइए, पहले तो दोस्तों 5 थे ना, अब कितने हो गए दोस्तों, 6, और औसत देखिए अब कितने हो गए दोस्तों, 6, और औसत आयु क्या है दोस्तों, वही है औसत आयु वही है यानी कि 17 ही है। तो टोटल आयु का योग क्या होगा दोस्तों, 17×6 यानी कि 102 हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या दोस्तों, यहां पे प्रश्न में आप देखेंगे पूछ क्या रहा है, शिशु की वर्तमान आयु पूछ रहे ना, देखिए लास्ट में आप लिखा ना शिशु की वर्तमान आयु बताइए, तो देखिए शिशु की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी कि टोटल 6 लोगों में से 5 लोगों को घटा देंगे तो किसका आयु निकल जाएगा दोस्तों, शिशु का आयु बच जाएगा, यानी कि 102 में से 100 घटा देंगे दोस्तों क्या होगा, 102 में से 100 घटा देंगे तो किसका आयु बच जाएगा, शिशु का। तो 102 में से 100 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 2 वर्ष होगा, क्या होगा, 2 वर्ष। तो शिशु की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, 2 साल हो जाएगा, और 2 साल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, और प्रश्न का आंसर भी दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं और ये प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, चौथा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों हम आपके लिए क्या किए हैं, करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे सर को रख लिए हैं जो डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो देते हैं, ठीक है, और करंट अफेयर की वीडियो की जो लेवल रहती है दोस्तों वो समझ लीजिए छोटे एग्जाम से लेके सिविल एग्जाम तक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप मॉर्निंग में दोस्तों डेली देखा करिए करंट अफेयर की वीडियो, ठीक है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहां पे कवर होते हैं, तो मॉर्निंग में आप उनसे जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है, कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है, यह रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, लाभ हानि के बेसिक में भी आपको बताया हूं कि जब लाभ होता है तो क्या करते हैं उसे 100 में जोड़ के लिखते हैं, जब हानि होता है तो उसे 100 से घटा के लिखते हैं परसेंटेज के तौर पे। देखिएगा कैसे आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझिए, देखिए यहां कह रहा है ना यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी कि उस दुकानदार ने कितने बेचा दोस्तों, 120% मूल्य पे बेचा, 120% पे बेचा है कितने रुपए में दोस्तों, 390 रुपए में, समझिएगा 120% में बेचा है कितने में, 390 में, और कह रहा है उसकी लागत क्या है,
उसकी लागत क्या रही होगी दोस्तों, 100% उसकी लागत रही होगी, तभी तो ये 20% लाभ लेके 390 में बेचा है। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है उसकी लागत, तो उसकी लागत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 120% बराबर दोस्तों 390, तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों, 390 बटा 120, वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की, गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, अब बस इसी को कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा उसकी लागत। तो कटाएंगे कैसे, 20 25 100, 20 6 120, ये 6 से कट जाएगा 39, यानी कि 6 × 6 = 36, और यहां बचा 30, यानी कि 6 × 5 = 30, 65 × 5 करेंगे तो ये 5 5 5 में, देखिएगा यहां से 65 में 5 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 5 25 का 5 हो जाएगा, 5 6 30 और 30, और देखिएगा 5 5 25 का 5, हासिल क्या हो जाएगा दोस्तों, हासिल 2, और 5 6 30 2 32, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 325। आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं, 65 में 5 से गुणा करेंगे क्या होगा 325। तो उस वस्तु का दोस्तों लागत क्या होगा, 325 रुपए। अब देखिए 325 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, 20% पे लाभ पे बेचा है 390 में, तो यानी कि 120% बराबर दोस्तों क्या 390, तो क्या करना है दोस्तों 100% की वैल्यू निकालना है, बस 100% की वैल्यू निकाले क्या आ गया 325, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको किसी अन्य चैप्टर में भी प्रॉब्लम होता है तो उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर देंगे, तो उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं प्रश्न करा दूंगा। किसी भी चैप्टर में, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, करंट अफेयर हुआ, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट दोस्तों जरूर करिए, और डेली दोस्तों आप मॉर्निंग में भी करंट अफेयर देखा करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से नए वाले सर आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आज का प्रश्न है दोस्तों, ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और जिन दोस्तों को इसका सही आंसर नहीं पता है वो क्या करेंगे दोस्तों, पार्ट नंबर 16 देख लेंगे, और पार्ट नंबर 16 दोस्तों देख लेंगे, उसमें क्या दिए इसको फुल डिटेल में मैं समझाया हूं कैसे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। और जो नए दोस्त हुए वो क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज और बता दूं उनके लिए दोस्तों, क्या है ये पंचम पब्लिशर की नई ईबुक है, वो इस ईबुक को जरूर लेके पढ़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ईबुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये ईबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इससे। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देख रहा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले पहले इसे एक बार लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जितने भी स्टडी आपके ग्रुप हो। और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्ट्राइप से सब्सक्राइब लिखा होगा, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगे। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।